शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आपकी कुंडली में शनि गलत जगह पे आके बैठ गया है। आपके जीवन में बुरा दौर शुरू होने वाला है। आपके हाथ से चीजें ऐसे फिसलती रहेंगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक है बीना, चिंता की कोई बात नहीं है, बल्कि खुशखबरी है, बीना माँ बनने वाली है। हमने जो गोलियां दी थी ना तुमको, तुम कभी माँ नहीं बन सकती थी, तो फिर ये हुआ कैसे? मम्मा, हमने उस बदरिया को घर से बाहर निकाल दिया। ये क्या कर दिए भांजे तुम हैं? 50,000 रुपया दे करके उसको लेकर के आए थे और तुम्ही को चाहिए थी ना बोलने वाली चलने वाली गुड़िया। अब जब ला के दे दिए तो भगा कह दिए उसे। गुड़िया नहीं बनरिया है वो, उसने हमें मारा भी था। मारा और गिराया भी था। गिराया था? उस 2 टके की लड़की की इतनी हिम्मत कि हमारे बेटे पे हाथ उठाएगी, उसे गिराएगी? नहीं, जाओ ढूंढ करके लाओ। हाँ नहीं, जाओ ले करके आओ। अरे दीदी, काहे बच्चे की जान ले रही हो? पिछली बार उसको ढूंढने के लिए गया था तो आधे गोरखपुर ने पटक के पीटा था हमको। अब की बारी ढूंढने गए तो बचा हुआ आधा गोरखपुर हमको पटक के मारेगा। अरे दीदी ऐसे नहीं कर, 50,000 का मैटर है ना, हम ला करके देंगे। कहाँ से लाओगे 50,000? जो भी पैसा तुम्हारे पास होता है ना, वो हमारी तिजोरी से बाहर निकलता है। तुम हमारे पैसों पे पलते हो, और अगर तुमने ये दांत पीस पीस के हमारे बेटे से बात की ना, तो दांत तोड़ देंगे। ढूंढ के लाओ। तुमको मारे थे, टांग तोड़ देंगे उसकी। आरती की तैयारी कर, ये देखा, सबको कल की महफिल के बारे में सब याद है, पर आज अष्टमी है और कन्या पूजन है, किसी को याद नहीं है। जाने दीजिए ना माँ, हमें तो याद है ना। पंखुड़ी, हाँ, पता नहीं ये कन्याएं कहाँ रह गई। ऐसी गलतफहमी तो आपके दुश्मनों को भी ना, कि आपकी कन्याएं आएंगी। चोरी चोरी बड़ी तैयारियां कर ली आपने, देखिए तो जरा, हलवा, पूड़ी, चना, बेसन के लड्डू, क्या बात है अम्मा जी। वैसे किसकी राह देख रही हैं आप? पड़ोस की कन्याओं की? आई थी, हमने पका दिया। वैसे क्यों इतना पूजा पाठ करती हैं आपके इसी चक्रों में? घर में उल्टी सीधी चीजें होने शुरू हो गई हैं। आपको पता नहीं है कि इस घर में एक सांस भी ली जाती है ना, तो चंद्रा को पता चलता है। आपको क्या लगता है, आप देवी पूजन रखवाएंगी और हमें पता नहीं चलेगा? कोई पूजन नहीं होगा। हटाओ इसे यहां पे। No.
देखा, इंसान चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले भगवान के काम में रुकावट डालने की, पर अगर ऊपर वाले ने ठान ली ना तो इंसान का कुछ नहीं चलता। पंखुड़ी, देखा, देवी माँ ने इस लड़की को माँ के स्वरूप में हमारे यहाँ भेज दिया ताकि हमारी पूजा पूरी हो। देवी माँ आई है हमारी हवेली में, इस घर में। सासू माँ, गलत फहमी हो आपके दुश्मनों को। वैसे आप ये सब क्या करती रहती हैं अपने आप को खुश रखने के लिए? हाँ, बात अभी खत्म नहीं हुई है। अब तो शुरू हुई है। क्यूरी, आसमान से उतरी है या फेंकी गई है? देवी माँ दिखाई दे रही है सबकी आंखों में। अब देखते हैं कि भक्ति की शक्ति नीचे कैसे आती है। नमस्ते मालकिन, ये ऊपर छत पर जाने का रास्ता कहाँ से है? क्यों? वो मालिक भेजे हैं हमें छत का दरवाजा रंगने के लिए। ये देखिए, रंग भी लाए हैं अपने साथ। रखो और जाओ। मालकिन, कहा ना, अम्मा जी, आप तो ये मान के बैठी हैं कि आपका डायरेक्ट कनेक्शन है माता रानी से, इसीलिए मैया ने इसे खुद भेजा है आपकी पूजा पूरी करवाने के लिए। पर हम ये सोच रहे थे, काले रंग से पुती हुई लड़की की पूजा आप कैसे करेंगी? हाँ, आपका तो डायरेक्ट कनेक्शन है ना, बोलिए अपनी माता रानी को। ये बंदरिया फिर से आ गए हमारे घर में, अभी बताता हूँ। शिव, बचा लीजिए। क्या हो गया? अरे ये कैसे हो गया? इतना सुंदर मुंह काला किए काय खड़ी है? डिब्बा पकड़े थे, फिसल कर उलट गया। हमको शौक नहीं है मुंह काला करने का। ओहो बाबू, ध्यान रखा करो। चलो अब जल्दी से चल के नहा ले। पता नहीं कौन कौन सा केमिकल पड़ा होगा रंग में, और जान जैसे मुखड़े पे दाग न लग जाए। चलो जल्दी चलो।
आओ बाबू। बचेगी नहीं तू अभी। चलो चलो आओ जल्दी चलो। ध्यान ध्यान भी रखती हो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम नहीं आती तो हमारी मम्मा का मुंह काला नहीं होता। सब तुम्हारी गलती है। हमने सिर्फ तुम्हारे मामा से पैसे लिए थे। हम वही लौटाने वापस आए। अब हम 6 महीने तक इधर ही रुकेंगे। जब तक हम वो पैसे ना चुका ले तब तक। क्या क्या कहा तुमने? हाँ 6 महीना। 6 महीने तो क्यों रुकोगी? ये हमेशा ऐसे चिल्लाता है क्या? इसका कान ही गला नहीं दुखता है? एक बात बताए, माता रानी ने खुद तुम्हें यहाँ भेजा है ताकि हमारी पूजा पूरी हो। माता रानी के सामने चंद्रा बहुरिया की कुछ नहीं चली। पंखुड़ी जल्दी से तैयारी कर, पूजा शुरू करते। दिलीप। हाँ मालकिन। ये सब साफ करवा देना। अच्छा बैठ पंखुड़ी। हाँ माँ। अच्छा बेटा पैर अंदर रखो। बेटा कौन हो तुम और यहाँ कैसे आई? और तुम्हारे माँ पापा कौन है? क्या नाम है उनका? हमारे माँ बाबा का नाम चुप 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 चुप। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहा है? उस बंदरिया को हमारे घर से बाहर निकालिए। इधर आओ। निकाल देंगे लेकिन आप ही को जो चाहिए थी वो खेलने वाली गुड़िया, उसके पैसे दिए।
अब आप हमें ये बताइए, उसने आपको बाजार में गिराया, आपको इतना परेशान किया और आप उसे ऐसे ही जाने देंगे? कभी भी नहीं। चंद्रा के बेटे हैं, अपना बदला नहीं लेंगे? रुको, हम आपको एक चीज दिखाते हैं। यही रुको, भाग मत जाना। ये देखिए हम क्या लेकर आए हैं। अब आप उस गुड़िया के साथ जो करना है करिए, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। सोचिए, उसका ऐसे करके हाथ तोड़ दिया, कैसे कैसे चिल्लाएगी और उसको थप्पड़ मारा तो पूरे गाल उसके लाल लाल हो जाएंगे टमाटर के जैसे, और उसकी बुंदी ऐसे। हमारे बाबा का नाम मोहन कुमार सिंह और नीति सिंह है। काश हमारे केशव और नेत्रा का कोई बच्चा होता तो इतना ही बड़ा होता। कौन, किसकी बात कर रही है? किसी की नहीं, पर अच्छा किया तुम आज यहाँ आ गई, वरना हमारी पूजा तो अधूरी ही रह जाती। हमारे उधर आपकी कोई भी पूजा अधूरी नहीं रहेंगी दादी। कितना मीठा बोलती है तू। क्योंकि हमें गुड़ बहुत पसंद है ना, इसलिए। याद है माँ, बाबा को भी गुड़ बहुत पसंद था। कितने मन से आप लोग हर साल कन्या पूजन करवाते थे और आधा गुड़ खुद ही खा जाते थे। कहाँ है वो, हम उन्हें भी अपना गुड़ वाला दोस्त बना लेते। अब क्या बताए इस मासूम बच्ची को, वो हमारे साथ होकर भी हमारे पास नहीं है। अरे पंखुड़ी, वो कन्या पूजन की कथा की किताब कहाँ है, जरा ले आ। क्या हुआ माँ? यही रखी थी थाली में, पता नहीं कहाँ रख दी। अरे कन्या पूजन की कथा की पुस्तक के बिना हम पूजा कैसे करेंगे, अधूरी रह जाएगी ना। जा जाके देख अंदर तो नहीं। हाँ माँ। बहुत समय पहले एक पंडित जी थे जिनका नाम श्रीधर था और वो माँ दुर्गा के बहुत बड़े भक्त थे। हर समय उनकी भक्ति में लीन रहते थे, पर उनकी कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए वो बहुत दुखी रहते थे। पर उन्होंने एक दिन नवरात्रि का व्रत रखा, सारी कन्याओं को कन्या पूजन के लिए बुलाया, पर उन सारी कन्याओं में से एक प्यारी सी कन्या माँ वैष्णवी के रूप में आई थी। और श्रीधर ने पूरे दिल से सारी कन्याओं का आदर सम्मान किया और पूजन होने के बाद जो सारी कन्या थी वो तो अपने घर चली गई, पर उनमें से जो माँ वैष्णवी बनकर एक कन्या आई थी वो श्रीधर के पास रुकी। उस कन्या ने श्रीधर को भंडारा रखवाने का और पूरे गांव को आमंत्रित करने का आदेश दिया। श्रीधर ने बिल्कुल वैसा ही किया, उन्होंने पूरे दिल से सबका सम्मान किया और खाना भी खिलाया। और आपको पता है उनके भंडारे में भैरवनाथ खुद आए थे। और ये सब करने के बाद श्रीधर को बहुत सुंदर संतान हुई। तब से लेकर आज तक हर नवरात्रि में कन्या पूजन किया जाता है। कितनी प्यारी बच्ची है तू, सच में आज हमारी पूजा तूने ही पूरी की है।
अरे पगड़ी भोग लगा। हाँ माँ। आपको पता है हमारे बाबा भी ऐसे ही हलवा पूरी बनाते थे। और पता है हमें क्या कहते? हमें कहते हैं कि उनको ये हलवा पूरी बनाना उनकी माँ ने सिखाया है। हमने हलवा बनाना सिखाया था। कहीं ये बच्ची तुम्हारी दादी कहाँ है? हमारी दादी नहीं है, हमारा कोई भी नहीं है, सिर्फ हमारा माँ और बाबा है, कोई नहीं। आप ये गुड़ खाओ, आपका मन मीठा हो जाएगा। वैसे तो आपका मन मीठा है, और मीठा हो जाएगा। अब हम सबको प्रसाद देकर आते हैं। मैं दूसरी थाली बना के देती हूँ। तोड़ दी तो कैसे चिल्लाएगी वो? कितना मजा आएगा, है ना? समझ में आई बात? क्या करना है? ठीक है माँ, अब आप देखिए हम उस बंदरिया को कैसे मजा चखाते हैं। ये हुई ना चंद्रा की औलाद। हमसे पंगा लिया था ना, अब देखना तेरा क्या हाल करता हूं बंदरिया। खेलते हैं, ये लो बॉल। बंटी, बॉल तो उसमें चली गई। रूल्स तो रूल्स हैं कि जो बॉल फेंकता है वही लेकर आता है। अब आएगा मजा। बंटी बचाओ, आग लग गई। देखिए घबराने की कोई बात नहीं है, बस फेफड़ों में धुआं जाने की वजह से बच्ची बेहोश हो गई थी। बिटिया रानी, तुम्हें पता है आग कैसे लगी? श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।